नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगा जैनस काइनेज स्टैट पाथवे के बारे में और जैक स्टैट पाथवे के बारे में। यह बहुत कुछ सिमिलर है टायरोसिन काइनेज की तरह ही। इससे पहले मैंने टायरोसिन काइनेज पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सो उसका डिटेल्स जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये टायरोसिन काइनेज की तरह ही रिसेप्टर है जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट होते हैं, इंट्रासेलुलर पार्ट होता है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। और इसके बहुत तरह के रिसेप्टर, बहुत तरह के लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स लाइक साइटोकाइन्स, उसमें इंटरफेरॉन गामा, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एरिथ्रोपोएटिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस पूरे वीडियो में मैं साइटोकाइन्स को एग्जांपल लेके चलूंगा और इस पूरे पाथवे को मैं स्टेप्स की मदद से और फिगर की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। सो इनिशियली जब वो लिगेंड की तरह, लिगेंड के साथ जो ये रिसेप्टर हैं, वो लिगेंड के साथ बाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं तो वो मोनोमर रहते हैं, सिंगल सिंगल एंटिटी रहते हैं, यूनिट रहते हैं, तो ये मोनोमर फॉर्म में रहते हैं। और एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट पर चार सब यूनिट होते हैं, 1, 2, 3, 4। इन सब यूनिट का काम दूसरा दूसरा है। सब यूनिट 2 और 4 डाइमर बनाने में मदद करते हैं, वेयर इज 1 और 3 के इंटरफेस पर लिगेंड बाइंड होता है। तो लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, तो यहां पर लिगेंड मैंने साइटोकाइन रखा है। सो दो साइटोकाइन मॉलिक्यूल जरूरी होते हैं डायपर बनाने के लिए। एक साइटोकाइन मॉलिक्यूल एक मोनोमर और एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, दूसरा दूसरे से बने बाइंड करेगा और फिर डाइमर फॉर्म करेंगे। इससे पहले एक चीज जरूरी है, टायरोसिन काइनेज में इंट्रा सेलुलर कोई एंजाइम अटैच नहीं होता है, इंट्रा सेलुलर पार्ट में और इंट्रा सेलुलर टेल में कोई एंजाइम अटैच नहीं होता है, वेयर एज टायरोसिन काइनेज में अटैच होता है। तो यहां पर क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि इस रिसेप्टर का कोई इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, वो नए एंजाइम को रिक्रूट करता है अपने टेल में और फिर फॉस्फोराइलेशन होता है, देखेंगे कैसे। सो रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ लिगेंड बाइंड होने के बाद, उसके बाद ये डाइमराइजेशन जो है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं और ये जैनस काइनेज एंजाइम को रिक्रूट करते हैं अपने टेल पर, जो कि सेपरेटली रहता है साइटोप्लाज्म में। सो उसको वो रिक्रूट करते हैं अपने टेल पर। सो ये जैनस काइनेज यहां पर आ गए, ये जैनस काइनेज यहां पर आ गए और इनके टेल पर अटैच हो गए। उसके बाद इनका फॉस्फोराइलेशन होता है, इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जो अटैच होने के बाद में, रिक्रूट और अटैच होने के बाद में उसका फॉस्फोराइलेशन होता है और वो एक्टिव फॉर्म में बदल जाते हैं। सो ये हुआ ट्रांसफॉस्फोराइलेशन ऑफ जैक, ओवर। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो हो ट्रांसफॉस्फोराइलेशन, ये फिर अनदर एक प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं जो कि होता है स्टैट, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो इसको रिक्रूट करते हैं और ये होता है बाइंड इससे जैनस काइनेज पर आके, और फिर उसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है जैनस काइनेज के द्वारा। सो इट रिक्रूट्स स्टैट, उसके बाद फॉस्फोराइलेशन होता है स्टैट का जैनस काइनेज के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये स्टैट का डाइमर बनता है, स्टैट का डाइमर बनता है। सो एक स्टैट मॉलिक्यूल दूसरे स्टैट मॉलिक्यूल के टायरोसिन काइनेज फॉस्फेट, टायरोसिन फॉस्फेट्स के साथ अटैच होते हैं। सो एक स्टैट दूसरे स्टैट के साथ अटैच होता है और डाइमर बनाता है और फिर वो डिसोसिएट हो जाता है और न्यूक्लियस में जाता है। सो डाइमर स्टैट ट्रांसलोकेट थ्रू द न्यूक्लियस और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है और डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, उसके बाद फिर एक्शन दिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और यहां पर एक फिगर जो है, जो रिसेप्टर का फिगर है, आपको इतना कॉम्प्लिकेट एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस सब यूनिट्स को छोड़ सकते हैं, सब यूनिट्स को छोड़ के आप सिंपल डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप मेम्ब्रेनस पार्ट दिखा सकते हैं, ये मेम्ब्रेन हुआ गया, इंट्रासेलुलर पार्ट दिखा सकते हैं और ये चारों सब यूनिट को ना बनाते हुए आप सिंपल रिसेप्टर किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का आप रिसेप्टर बना दीजिए, इस टाइप का रिसेप्टर बना दीजिए। सो किसी भी टाइप का रिसेप्टर आप बना सकते हैं और उसमें लाइगेंड को बाइंड कराइए और फिर डाइमराइज कराइए और फिर आप ऐसे जाइए। तो इस तरह से आप पूरी तरह से आप जैनस काइनेज पाथवे को एक्सप्लेन कर पाएंगे स्टेप्स ऑफ फिगर की मदद से। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जैनस काइनेज पाथवे को समझने और एक्सप्लेन करने में। धन्यवाद।